मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग जाने वाली नाव समुद्र में डूबी है। ये यात्री नाव अलीबाग के पास समुद्र में चट्टान से टकराने की वजह से हादसा हुआ है और इस नाव में 88 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने इन 88 यात्रियों की जान बचा ली है, यानी कि एक बड़ा हादसा टल गया है। 88 यात्रियों को लेकर जाते हुए नाव पत्थर से यानी चट्टान से टकरा गया था और तस्वीरें देखें किस तरह से ये नाव समुद्र में डूब रही है, मगर वहीं 88 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि नाव 88 लोगों को लेकर सुबह 9 बजे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए रवाना हुई थी, मगर रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी खबर हैदराबाद से है, जहां हैदराबाद के मौलाली रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई एक ट्रेन में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि ट्रेन के कई डिब्बों में धुएं फैल गए। तस्वीरें देखें ट्रेन में कितनी भयानक आग लगी है। मौके पर करीब एक दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। अच्छी बात यह है कि इस आग में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। बहरहाल ट्रेन में लगी आग पर जैसे तैसे कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।